बोली गोविंद भगवान की। ऐसे क्षमा चला जाकर के देखा कि द्रौपदी के छोटे छोटे बच्चे डेरों में लेटे हुए हैं। अश्वत्थामा ने उन बच्चों को उठाया, उठा करके धर से शर अलग करिए और शर अलग करके ला करके दुर्योधन को दिखाया। आगे तो बड़ा खुश हुआ था दुर्योधन कि मेरे दुश्मनों के शर हैं, लेकिन जैसे ही बालकों के सर देखे तो एकदम से दुख उत्पन्न हो गया, तो दुर्योधन की मृत्यु हो गई थी। इधर द्रौपदी ने देखा कि पांचों बेटों की लाश पड़ी है। आज द्रौपदी ने उन बच्चों को उठा करके गोद में रख लिया और बालकों की लाश पर विलग विलग करके रोने लगी वो द्रौपदी। लाला, एक माँ को एक बेटा के बिना दुनिया सुनी दिखाई देती है भक्तों। आज द्रौपदी रो रही है कि लाला ने कबूला सुनाई दे और मेरे दिल को धीरा बंधाए की गोद को लाश और गोद में लाश रख करके बिलख बिलख करके रो रही है। बेटा, एक माँ की गोद में एक बेटा की लाश पड़ी हो तो वो माँ जानती है कि माँ को कितना दुख होता है। और रोने लगी हो द्रौपदी, लाला हो मेरे भारी कष्ट उठाए और तब पांच पुत्र लगे पाए छैया। और माँ कहे के मुई बुलाइए, मर जाएगी माँ तेरे बिना। ओ माँ कहे के मुई बुलाइए और लाला ने कबजे पाइए छैया। बिलख बिलख करके रो रही थी।